हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, सेशन को शेयर करें ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। तो आज क्लास में हम ट्रिपल सी जुलाई एग्जाम 2023 का जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए काफी ज्यादा समय रह नहीं गया इसमें। तो आप सभी के लिए मैं लिवरी ऑफिस इम्प्रेस से अति महत्वपूर्ण प्रश्न को इस क्लास में हमने शामिल किया है इसमें। तो आप सभी को क्लास में लास्ट तक बन रहना, क्योंकि आप एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है इसमें। तो आप सभी को इस क्लास में लास्ट तक बन रहना है। तो जल्दी क्लास में जुड़ जाना है इसमें। जो साथी क्लास में आ चुके हैं, सेशन को शेयर कर देना है ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। स्टूडेंट, आज क्लास भी आप सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी इस क्लास को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि लिवरी ऑफिस इम्प्रेस से अति महत्वपूर्ण प्रश्न को हम इसमें शामिल किए हैं, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जो कि समय पर सभी नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलता रहे। तो जल्दी से क्लास में आप सभी को जुड़ जाना है, क्लास को कंटिन्यू किया जाए इसमें। जल्दी से क्लास में जुड़े इसमें हम अभी। चलिए अच्छा करते हैं आज का क्लास का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट, आज का क्वेश्चन क्लास का पहला प्रश्न है, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। बताइए आप सभी, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, आप सभी बच्चों को बताना है। आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। इसमें व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या है स्टूडेंट्स, आप सभी बताना है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, डॉट ओडीपी। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जो फाइल एक्सटेंशन है वो स्टूडेंट डॉट ओडीपी है। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यू यू कैन ऐड टू अ स्लाइड। आप एक स्लाइड में अधिकतम कितने दृश्य जोड़ सकते हैं स्टूडेंट, आप सभी बताना है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आज भी साथी हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी को लाइव सेक्शन में सभी क्वेश्चन का आंसर देना है स्टूडेंट। आज साथी क्लास में को बाद में देख रहे हैं, आप सभी को कमेंट बॉक्स में इन सभी क्वेश्चन का आंसर देना है स्टूडेंट। और एक चीज मैं आप सभी को बता दूं स्टूडेंट, इस क्लास में आप सभी को लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे स्टूडेंट आपके एग्जाम्स के लिए। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। What is the maximum number of view you can add to a slide? आप एक स्लाइड में अधिकतम कितने दृश्य जोड़ सकते हैं स्टूडेंट, आप सभी को बताना है। जल्दी बताइए आप सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 10 दृश्य को हम जोड़ सकते हैं। ओके, आप अपने स्लाइड में अधिकतम जो है वो स्लाइड, वो 10 स्लाइड को आप जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर थ्री, इट इज यूज टू डिटरमाइन द टाइमिंग ऑन अ स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर समय निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है स्टूडेंट्स, आप सभी बताना है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो जल्दी बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा स्टूडेंट, जल्दी जवाब कीजिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, रियल सर। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्लाइड ट्रांजिशन। सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्लाइड ट्रांजिशन। निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड ट्रांजिशन है स्टूडेंट्स, आप सभी बताना है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है स्टूडेंट, जल्दी बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, स्पेशल इफेक्ट यूज्ड टू शो अ स्लाइड शो। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर फाइव, बाय व्हाट नेम डू यू नो द फर्स्ट स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को आप किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा स्टूडेंट, जल्दी बताना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, टाइटल स्लाइड। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इज लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस प्रकार का कार्यक्रम है स्टूडेंट, आप सभी को बताना है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। तो जल्दी बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, प्रेजेंटेशन।
तो जिस बच्चे ने जो ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है अलापत ने क्वेश्चन नंबर 7 इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस मैक्सिमम जूम इज अप टू परसेंटेज बताना है श्रोता सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में अधिकतम जूम प्रतिशत तक कितना होता है स्टूडेंट्स आप सभी को बताना है तो जल्दी बताना अश्वता सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा जो साथी हमारे साथ क्लास में लाइव जुड़े हुए हैं आप सभी को मैं बता दूं कि आज क्लास में हम 50 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं तो आप सभी को कम से कम मिनिमम क्वेश्चन 35 या 40 क्वेश्चंस आप सभी का बिल्कुल राइट होना चाहिए इसमें तो समझ लीजिए कि ट्रिपल सी में आप बहुत अच्छे ग्रेड से पास आउट होंगे इसमें और आपकी जो तैयारी हो वो बहुत अच्छे से आपने तैयारी कर रखी है ओके तो आज क्लास में आप सभी को 35 या 40 क्वेश्चंस को बिल्कुल करेक्ट करना है मतलब जल्दी बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस मैक्सिमम जूम इज अप टू परसेंटेज बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर नन ऑफ दी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 वेयर डज द जूम ऑप्शन अपीयर इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में जूम का विकल्प कहां दिखाई देता है स्टूडेंट आप सभी बताना है तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा तो जल्दी बताना है स्टूडेंट आप सभी को ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर स्टेटस बार ठीक है अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज द मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में अधिकतम जूम क्या है स्टूडेंट आप सभी बताना है आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में अधिकतम जूम क्या होता है स्टूडेंट आप सभी बताना है सही जवाब कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 3000% अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज द शॉर्टकट की टू प्रिंट अ प्रेजेंटेशन स्लाइड प्रेजेंटेशन स्लाइड को प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है स्टूडेंट्स आप सभी को बताना है आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है स्टूडेंट्स और आप सभी क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा स्टूडेंट्स ट्रिपल सी में पूछे गए प्रश्न है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में आप सभी के लिए कलेक्ट करके इस क्लास में हमने शामिल किया है तो आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है तो बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा व्हाट इज द शॉर्टकट की टू प्रिंट अ प्रेजेंटेशन स्लाइड प्रेजेंटेशन स्लाइड को प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है तो जल्दी से बताना है आप सभी को ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस ई अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज द डिफॉल्ट टाइटल नेम इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में डिफॉल्ट शीर्षक नाम क्या होता है स्टूडेंट्स आप सभी बताना है तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा जो साथी क्लास में आ चुके हैं क्लास को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए स्टूडेंट्स तो जल्दी से बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा व्हाट इज द डिफॉल्ट टाइटल नेम इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में डिफॉल्ट शीर्षक नाम क्या होता है आप सभी को बताना है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर अनटाइटल्ड 1 अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन में प्रिंट वर्ड लोकल के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है स्टूडेंट्स आप सभी बताना है आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन प्रेजेंटेशन जल्दी बताना आप सभी को ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस सी प्लस एफ 12 क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 वेयर इज द ऑप्शन ऑफ स्लाइड ट्रांजिशन प्रेजेंट बताइए स्टूडेंट्स अभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा स्लाइड ट्रांजिशन का विकल्प कहां मौजूद है आप सभी को बताना है तो आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ए एंड बी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज द मिनिमम जूम साइज ऑफ लिब्रे ऑफिस इंप्रेस लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का न्यूनतम जूम प्रकार क्या होता है स्टूडेंट्स आप सभी को बताना है तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है तो जल्दी बताना आप सभी को ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 5% अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 हाउ मेनी मेनूज आर देयर इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कितने मेनू होते हैं स्टूडेंट्स आप सभी बताना है आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 10 मेनू लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्टूडेंट्स आप सभी का में जो मेनूज होते हैं वो 10 मेनूज होते हैं ओके क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 द शॉर्टकट की टू एग्जिट प्रेजेंटेशन इज फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है स्टूडेंट्स आपसे बताना है आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर यस सी ठीक है अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17
इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इफ द शॉर्टकट की ऑफ टेक्स्ट इंक्रीज इज कंट्रोल प्लस हाउ मच जूम इन द टेक्स्ट वंस प्रेस द की। आशी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। कंट्रोल प्लस ई कमांड ई यूज फॉर डैश इन पावर पॉइंट डैश के लिए शॉर्ट कंट्रोल प्लस ई कमांड का प्रयोग किया जाता है। बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। स्टूडेंट कंट्रोल ई प्लस ई का कमांड किसके लिए किया जाता है स्टूडेंट आप सभी को बताना है। जल्दी बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर सेंटर अलाइन। ओके अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। देर इज नो ट्रांजेक्शन इफेक्ट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कोई ट्रांजेक्शन इफेक्ट नहीं होता है इसमें आपको बताना है। तो आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फ्लाई इन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। यूजिंग विच ऑप्शन डू ऑल द स्लाइड्स अपीयर सिमल्टेनियसली। किस विकल्प के प्रयोग से सभी स्लाइड एक साथ दिखाई देती हैं स्टूडेंट्स आपसे बताना है। तो आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर स्लाइड सॉर्टर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द पावर पॉइंट नोइज इन अ लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स आपसे बताना है। तो आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को क्या कहते हैं तो कहते हैं इम्प्रेस। ओके स्टूडेंट्स अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। द शॉर्टकट की इज यूज टू एड न्यू स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने के लिए इस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है स्टूडेंट्स आपसे बताना है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस एम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। विच शॉर्टकट की इज यूज टू गो टू द फर्स्ट स्लाइड। पहली स्लाइड में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है स्टूडेंट्स आपसे बताना है। आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ए एंड बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू नेविगेट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नेविगेट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है स्टूडेंट आपसे बताना है। आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा स्टूडेंट। जल्दी से बताना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। ओके अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑप्शन विल बी यूज्ड टू रिपीट द स्लाइड शो कंटिन्यूसली। स्लाइड शो को लगातार दोहराने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है इसमें आपसे बताना है। तो आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी बताना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर लूप। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फ्लोइंग विल यू यूज टू ऑर्गेनाइज और शॉर्टन अ स्लाइड। स्लाइड को व्यवस्थित या छोटा करने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग करेंगे स्टूडेंट आपसे बताना है। तो आपके बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर बोथ ऑफ दिस। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। और प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। इज अ स्लाइड यूज एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अदर स्लाइड। बताइए इसमें सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है स्टूडेंट। अन्य स्लाइड के लिए एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में उपयोग की जाने वाली स्लाइड कौन सी है स्टूडेंट आपसे बताना है। तो आपसे बच्चे जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर मास्टर स्लाइड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑप्शन विल बी यूज टू रिमूव स्लाइड ट्रांजिशन। बताइए इसमें अभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है स्टूडेंट आपसे बताना है। तो आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा जल्दी बताना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर नॉन ट्रांजिशन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फ्लोइंग सॉफ्टवेयर आर मेड प्रोसेशन इन लिब्रे ऑफिस। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर लिब्रे ऑफिस में प्रस्तुतिकरण किया जाता है स्टूडेंट आपसे बताना है। तो आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फ्लोइंग अलाइनमेंट इज नॉट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नहीं है स्टूडेंट आपसे बताना है। आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर जस्टिस
35. अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31. Which key will be used to move on the previous slide in LibreOffice Impress? LibreOffice Impress में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाएगा इसमें आपसे बताना है. आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा. इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर पेज अप. अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32. What is the default page orientation in LibreOffice Impress? LibreOffice Impress में default page orientation क्या है स्टूडेंट्स आपसे भी बताना है. पास से बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा. इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा. What is the default page orientation in LibreOffice Impress? तो जल्दी से बताना है आप सभी को. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर लैंड एस्केप. अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट्स आर देयर इन LibreOffice Impress? LibreOffice Impress में कितने प्रकार के चार्ट होते हैं स्टूडेंट्स आपसे बताना है. तो आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा. इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट्स आर देयर इन LibreOffice Impress? तो जल्दी बताना आप सभी को. इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा. सभी स्लाइड्स को समान रूप से देखने के लिए आपको किसका उपयोग करना पड़ता है स्टूडेंट आपसे बताना है. तो आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा. इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर LibreOffice Impress डिजाइन टेम्पलेट. ओके क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर. अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंडआउट्स इन अ पेज? एक पेज में हैंडआउट की अधिकतम संख्या क्या होती है स्टूडेंट आपसे बताना है. तो आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा. इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 9. अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38. हाउ कैन वी गो डायरेक्टली टू द मेनू व्हाइल द स्लाइड इज रनिंग? स्लाइड के चलने के दौरान हम सीधे मेनू में कैसे जा सकते हैं स्टूडेंट्स आपको बताना है. आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा. इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा. तो जल्दी से बताना है आप सभी को स्टूडेंट्स. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर बाय राइट क्लिक ऑन द स्लाइड. ओके क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39. इन विच मेनू इज द इंसर्ट स्लाइड ऑप्शन अवेलेबल? इंसर्ट स्लाइड का विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है स्टूडेंट्स आपको बताना है. तो आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा. इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर स्लाइड. अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40. विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ एडिट मेनू ऑफ LibreOffice Impress? निम्नलिखित में से कौन LibreOffice Impress के एडिट मेनू का विकल्प नहीं है? तो आपसे बच्चे को जल्दी बताना है. इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर पेज सेटअप. अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41. व्हाट विल बी द शॉर्टकट की टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? अगले स्लाइड पर जाने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी स्टूडेंट्स आपसे बताना है. तो आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा. इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा. व्हाट विल बी द शॉर्टकट की टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? जल्दी बताना है आप सभी को. इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस पेज डाउन. अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42. कैन एन एक्शन बटन बी एडेड टू अ स्लाइड बाय द एक्शन बटन कमांड ऑफ द मेनू? तो जल्दी बताना आप सभी को. इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा. क्या मेनू के एक्शन बटन कमांड द्वारा स्लाइड में एक्शन बटन जोड़ा जा सकता है? तो जल्दी बताना आप सभी को. इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर नॉन ऑफ दिस. अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43. व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ फॉन्ट इन LibreOffice Impress? जल्दी बताना आप सभी को. इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा. व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ फॉन्ट इन LibreOffice Impress? LibreOffice Impress में फॉन्ट का अधिकतम आकार क्या हो सकता है स्टूडेंट्स आप सभी बताना है. आप सब अच्छे जल्दी जवाब कीजिएगा. इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 96. अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44. टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स इन अ स्लाइड, स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ता है स्टूडेंट आपसे बताना है. आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा. इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स. अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर
45, व्हाट इज द मिनिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में न्यूनतम फॉन्ट आकार क्या होता है, इसमें आप ही बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर चीजें जो आप कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 6। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फ्लोइंग साउंड फाइल कैन बी एडेड टू लिब्रे ऑफिस इंप्रेस। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि फाइल लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में जोड़ी जा सकती है, जल्दी से बताना आप सभी को। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर डॉट वेब। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, डिफाइंड बाई मास्टर हैंड आउट, मास्टर हैंड आउट द्वारा परिभाषित, जल्दी बताना आप सभी को। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो जल्दी बताना आप सभी को इसमें। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर लेआउट ऑफ हैंड आउट। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर की फॉर अ डुप्लीकेट स्लाइड। डुप्लीकेट स्लाइड के लिए सॉफ्टवेयर कुंजी क्या है, इसमें आपसे बताना है। आपसे बच्चे जो आप कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फ्लोइंग बीवी इज नॉट इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में नहीं है, तो आपसे बच्चे जल्दी आप कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फ्लॉटर व्यू। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग टाइम कैन बी सेट फॉर ईच ऑब्जेक्ट। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए समय निर्धारित किया जा सकता है, तो जल्दी बताना आप सभी को। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर स्लाइड शो स्लाइड डाइजेशन। जिस बच्चे ने जो ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। स्टूडेंट्स, आप सभी को आज क्लास का कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपने 50 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, आप सभी इस क्वेश्चन को आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाए आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इसमें अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जो कि समय पर सॉल्विंग नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।